अद्वैत अनंत प्रभु जगन्नाथ सपत ब्रह्मांड नाथ लक्ष्मीकांत श्री मंदिर रे रतन बेदी रे दर्शन दिए टेकी दुई हाथ श्री जगन्नाथ जय जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जय जगन्नाथ ओ नमस्ते सत्यते जगत्कारणाय नमस्ते चित्ते सर्वलोकाश्रयाय नमो अद्वैततत्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरतात्मतत्त्वम् सचित् सुखम् परमहंसगतिं तुरीयम् जत्स्वप्न जागर सुषुप्ति मवैति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंग नमो अकिंचन विताय निवृत गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। प्राणेश्वर महाप्रभु परम ब्रह्म श्री जगन्नाथ चरण कमल रे सतकोटि दंडवत प्रणाम। आम आलोचनार विषय वस्तु पांचरात्र धारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ। ई आलोचना आरंभ करिवा पूर्वरु गोटे कथा मन को आसे ता होजी तपस्यारत जने साधु हिमालयरु तपस्या सारी जनपद भितर पहुँचिले। गाँ लोके साधु को देखि अति खुशी जाऊ महात्मा जने गाँव में प्रवेश करिसंती दुई तीन दिन रहिबे सत्संग हबो साधु संग हबो तो समस्ते आनंद रे साधु को घेरी बसीगले। साधु कहिले प्रतिदिन सत्संग हबो ता ठीक किंतु सभा आरंभरु मु गोटे प्रश्न पचारिबे प्रतिदिन तार उत्तर को चाहे सत्संग कौन हबो से व्यवस्था करा जिवो समस्ते एथरे राजी प्रभु पचारिबे प्रभु कथा तो पचारिबे आउ कौन पचारिबे। तो प्रथम दिन सभा आरंभ होला साधु महाराज आसिले उपवेशन कले पचारिले समस्त को गोटे कथा। सभा आरंभ पूर्वरु आपण मान मते कहंतु भगवान अछंती एथिरे जो माने निश्चित संपूर्ण एकमत से माने हाथ टेकंतु। भगवान नाहंती बोली किए कहिबो अछंती भगवान अछंती ये तो स्वतः सिद्ध कथा तेणु समस्ते अति आनंद हाथ उठाई देले जे भगवान अछंती। साधु महाराज किछि क्षण मौन होगले जहाँ बसी थिले ना ता उठिक टिया हेले एवं गोटे कथा कहिले देखंतु मोर आउ किछि कहिवार नाही। जदि आपण माने जानिछंती पुणी निश्चित अछंती जे भगवान अछंती तेबे मोर आउ कौन कहिवार अछि जदि नाही कहितांते तेबे मु बुझेई थांती विभिन्न कथा कहितांती भगवान अछंती बोली प्रमाण देइतांती किछि शास्त्र आलोचना हेथांता। जणे निश्चित हेथिबा व्यक्ति की समस्ते जते बेले जानिछंती भगवान अछंती आउ तांकु बुझेबार आवश्यकता किछि नाही
साधु उठिले एवं चलिले। लोक माने बड़ विचित्र परिस्थिति रे पड़िगले। द्वितीय दिन सभा आरंभ, साधु पुणी आसिले बसिले एवं द्वितीय प्रश्न पचारिले। कहले काली टिके थतमत होतिला परे जणा पड़िले समस्ते, आजि कहंतु भगवान नाहंती एथिरे केहि कहार शंका अछि कि भगवान नाहंती एथिरे जो माने एकमत। गतानुगतिक भाव में पृथ्वी चली, चंद्र सूर्य चली, सबू तो किसी रीतिमत चली, भगवान को काम कौन? भगवान नाहंती जो मान मत से माने हाथ टेक। तो अधे काली अच्छा कहबर जो साधु किसी कहले ना, आज हुए तो ना कहले कि कहे, यही अनेक हाथ उठिला जे भगवान नाहंती। उद्देश्य भगवान को कथा किसी शुणवे, साधु किसी कहे। तो इति संख्यार हाथ जमी उठिला भगवान नाहंती बोली, साधु पुणी उठी ठिया हेले। कहले तेमाने जत्ते बेले इभली निष्पत्ति नहीं सारे जे भगवान नाहंती, तुमको जत्ते बुझेले कौन तुम आउ बुझ आउ बुझ? कारण जो थरे जहार नास्तिकता पशी जाइछि, जहार एमती गोटे स्थिति आसी जाइछि जे भगवान कौन करिवे, संसार तो चली ठीक बाटर चली, समस्ते कक्षपथर अच्छा, ग्रह नक्षत्र चंद्र सूर्य तो इत्यादि समस्ते व्यवस्थित भाव में अच्छा, भगवान कौन काम? तो तुमको आ बुझेले बुझना, एथर उठिले पुणी चलिले। तृतीय दिन, आज तो गोटे दिन शेष दिन, साधु आसिले तृतीय प्रश्न पचारिले, दुई दिन मु लक्ष्य करुची आपण माने किए अच्छा बोली भगवान माने कथा कहते, तो किए नाहंती बोली ता भीतर एमती जुक्ति तर्क चली। आज शेष कथा एवं विचार करी मु जहाँ पचारिबे आपण माने कहिबे। साधु तृतीय थर पचारिले, जो माने भगवान अच्छा बोली कहुच निश्चित हेच से माने हाथ उठात। तो सभार निष्पत्ति अनुसार, गाँव निष्पत्ति अनुसार अधे लोक हाथ उठेले भगवान अच्छा बोली। भगवान नाहंती बोली को माने कहुच आर अधा, आउ जो अधा रहिले से माने हाथ उठेले। तो संपूर्ण भाव में अधा अधा हो गला, सभार लोक अधा अधा हो, भगवान अच्छा अधे, भगवान नाहंती अधे। कहले साधु आज कुआडे जीवे, जहाँ तो कहे ना। साधु पुणी उठी ठिया हेले, कहले ये गोटे विचित्र परिस्थिति तुम्हें सृष्टि कल समस्ते, मोर ये किसी काम ना। जो मैने जाच भगवान अच्छा बोली, जो मैने भगवान नाहंती बोली बुझी, से मानकु तमे माने बुझेदेव, सी तो बुझीजे मुझे कौन करी। उठिले चलिले। अवतारणिका करार उद्देश्य हूँ या जे आम मन एत विक्षिप्त जे भगवान कहीं कौन सी कथार मध्य आमे निश्चितता रही पारुना, कौन सी कथार किछि भी ग्रहण करने को आम मैंने प्रस्तुत नहु। शास्त्र हूँ उपदेश हो, किसी भल कथा हो, किंबा गुरुजन मानकर कथा हो, कौन सी कथा को ग्रहण करने को आम मानक पाखे समय ना, कि आम मन एत विक्षिप्त जे से मन मोटे पशु ना। मन को शांत करने संपूर्ण भाव निरुद्ध अवस्था पर एकाग्र स्थिति पर किसी कथा को ग्रहण करने जो मानसिकता दरकार, से कथा आई शास्त्र मानकर अनेक व्यवस्था है, अनेक व्यवस्था, बहुत पूजा आराधना उपासनार कथा, हरिनामर कथा, किसी मान एमती भगवत कार्यर कथा, जो थे चित्त शांत हो, मन एकाग्र होमती अनेक व्यवस्था करा जाए, अनेक व्यवस्था। एमती कि आम परंपर गोटे दृढ़ धारणा आसी जा, मन्ये कुतश्चित् अभयम् अच्युतस्य पादाम्भोज उपासना अत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धे असदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। धरंतु आम अंचल किंबा आम गाँव जने भल लोक, साधु प्रकृतिर लोक, बुद्धि उद्विग्न होजार किसी असत कम कर पकई, समस्ते जानी से भल लोक, ये कम से करें ना,
କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଅସଦାତ୍ମ ଆଚରଣ ହୋଇଯାଇଛି, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ? ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବତ ଆଦେଶ ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ସେଇଆ ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ଏକ ନୀତି ଥିଲା। କ'ଣ ନୀତି? ପାଦାମ୍ଭୋଜ ଉପାସନା ଅତ୍ର ନିତ୍ୟମ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ, ତାଙ୍କ ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହ ପାଖକୁ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତି ନେବେ। ପ୍ରଭୁ, ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଆସିଯିବାରୁ, ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଠିକ୍ ନ ରହିଯିବାରୁ ଇ ଭାବ ଆସିଯାଇଛି, କିଛି ଖରାପ କାମ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଅମାନି ମାନଦ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଗୁଣରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ଏଭଳି ଭୁଲ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇ ପ୍ରପତ୍ତି ଶରଣାଗତି ଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଗଲେ, ନିଜ ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ତାଙ୍କର ଦୋଷ କ୍ଷମା ହୋଇଯାଏ। ଏସବୁ ରୀତିନୀତି ଆମ ଚଳଣିରେ ଅଛି। ତ ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜିର କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ତାହା ହେଉଛି ପାଞ୍ଚରାତ୍ର ଧାରା। ଅନେକ ଧାରା ଅଛି, ବୈଷ୍ଣବୀୟ ଧାରା, ମତ, ପନ୍ଥ, ଶାଖା, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଧର୍ମ ଧାରା, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବାଟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ତ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଳିଷ୍ଠ ଯେଉଁ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି, ତାହାର ନାଁ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚରାତ୍ର। ଇଏ ଏକ ଧାରା, ଇଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରବାହ ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି, ଅତି ଶୀଘ୍ର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ। ଇ ପାଞ୍ଚରାତ୍ର ପଦ୍ଧତି ବା ଧାରା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ, ଇଏ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ, ବିଶେଷ କରି ଉପନିଷଦ କାଳର ଇ ସମକାଳୀନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉପନିଷଦ ମାନେ ବେଦାନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳ, ବେଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଉପନିଷଦ ମାନେ ରଚନା ହେବା କାଳରୁ ଇ ଧାରା ଅବ୍ୟାହତ ଅଛି, ଚାଲି ଆସିଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚରାତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? କାହିଁକି ଏ ଧାରା ଏତେ ବଳିଷ୍ଠ? କାହିଁକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଷ୍ଣବୀୟ ପଦ୍ଧତି ଏ ଧାରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି? ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସେ, ରାତ୍ରଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ବଚନମ ଜ୍ଞାନ ପଞ୍ଚବିଧ ସ୍ମୃତମ ତେନେଦଂ ଭଗବତ ରୂପମ ପାଞ୍ଚରାତ୍ର ଇତି ଖ୍ୟାତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀତନ୍ତ୍ର ଇଏ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତିର ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ରାତ୍ରଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ବଚନମ। ରାତ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ। କେଉଁ ଜ୍ଞାନ? ଜ୍ଞାନମ ପଞ୍ଚବିଧ ସ୍ମୃତମ, ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ପାଞ୍ଚଟି ଜ୍ଞାନକୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ନିଆଯାଇଛି। କେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଜ୍ଞାନ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା? ଇଏ ପାଞ୍ଚରାତ୍ର ଧାରାର ମୁଖ୍ୟ ଉପଜୀବ୍ୟ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଧାରା, ତାହା ହେଉଛି ଇଏ ପଞ୍ଚବିଧ ଜ୍ଞାନ। କ'ଣ? ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱଧର୍ମ ଫଳ ଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱଧର୍ମ ଫଳର ବିରୋଧୀ ଜ୍ଞାନ। ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଜ୍ଞାନକୁ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଜାଣିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ, ଅନୁଭବ ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ। ତ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଧାରା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ, ଉପନିଷଦ କାଳରୁ ଏ ଧାରା ଚାଲି ଆସିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ପ୍ରଥମ କଥା, ପ୍ରଥମ ଧାରା ବା ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଭଗବତ, ଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଳୋକ ଆସନ୍ତି, ବଦନ୍ତି ତତ୍ ତତ୍ତ୍ୱବିଦ ତତ୍ତ୍ୱଂ ତଜ୍ଞାନମବ୍ୟୟମ୍ ଅଦ୍ୱୟମ୍, ବଦନ୍ତି ତତ୍ ତତ୍ତ୍ୱବିଦ ତତ୍ତ୍ୱଂ ତଜ୍ଞାନ ଅଦ୍ୱୟମ୍, ବ୍ରହ୍ମେତି ପରମାତ୍ମେତି ଭଗବାନେତି ଶବ୍ଦ୍ୟତେ। ଅଦ୍ୱୟ ଭଗବାନ, ଯିଏ ମୋଟେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ସତ୍, ସିଏ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ତିନୋଟି ନାଁରେ ଏଥିରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି, ବ୍ରହ୍ମେତି ପରମାତ୍ମେତି ଭଗବାନେତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ତିନୋଟି ରୂପ?
कौन पाई तीनोटी ना अद्वैय ब्रह्म को खाली ब्रह्म कही तो हेता भागवतर सिद्धांत होमती कौन भक्ति कर्म ज्ञान घेनी एमते जोग मार्ग तीनी पथू आन मते विचार न घटे जगते। जगत रे तीनोटी उपासनार मार्ग अछि गोटे भक्ति गोटे ज्ञान एवं तृतीयटी कर्म। ई तीनोटी धारा रे जे माने जे धारा रे विश्वासी जे गुणर लोक ताहाकु सहजरे ग्रहण करिवा पई जे माने ज्ञान मार्गी लोक विद्वत्ता अछि जानिबा को आग्रह अछि जिज्ञासु मनोवृत्ति अछि सेई माने ये अद्वैय सत्ता को ब्रह्म बोली कहन। ज्ञानी मानक पाई ब्रह्म कर्मी मानक पाई ताहा उचंती संपूर्ण भाव रे परमात्मा। काहेकि परमात्मा कर्मी मानक पाई कारण ब्रह्मर कार्यकारी रूप जेभली भाव रे पुरुष सेमिति एठी ब्रह्मर कार्यकारी रूपर ना होची परमात्मा। तो कर्मी मानक पाई परमात्मा एवं भक्त मानक पाई भगवान। ये तीनोटी पथ तीनोटी उपासना पद्धति रे ज्ञानी मानकर ब्रह्म कर्मी मानकर परमात्मा भक्त मानकर भगवान। तेणु ये तीनोटी पाई तीनी संप्रदाय पाई तीनी प्रकारर विचार पाई तीनोटी ये जो पथ तीनोटी अछि भक्ति कर्म एवं संपूर्ण ज्ञानर मार्ग सेति पाई भग अद्वैय ब्रह्म को एमती त्रिधा विभक्त करा जाइछ। ये इत्ते व्यापक विषय वस्तु ब्रह्म कौन परमात्मा कौन भगवान आमको क्या कहवा सड़ समस्ते ते ईश्वर सर्वव्यापक सत्ता छोटी गुण थे ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जसह सश्रियः ज्ञानं वैराग्यय चैव शरणं भग इति स्मृता। छोटी गुण थे भग थे ऐश्वर्य थे भगवान कह ताले परमात्मा किए आत्मार अति सूक्ष्म जे अति सूक्ष्म आत्मारे मध्य प्रविष्ट आउरी सूक्ष्मतम सी परमात्मा। ब्रह्म ये एक सत्ता मात्र आकार नहीं केवल सत्ता मात्र जहाँ समग्र संसार को परिव्याप्त ही अच्छा। ये विक्षिप्त विषय ये व्यापक विषय जे ये आलोचना बहु समय अपेक्षा रखे तबे साधारण भाव रे एही ज्ञान रहिबा दरकार। ब्रह्म सत ब्रह्म एक किंतु संपूर्ण भाव रे कर्म को नहीं भक्ति की नहीं ज्ञान को नहीं ये ब्रह्म को आम त्रिविध भाव रे अर्चित करी पारु एवं विभिन्न नारे मध्य डाकी पारु। ये हला भगवत ज्ञान। द्वितीय ज्ञान ना ये पंचरात्र पद्धति रो द्वितीय ज्ञान ना होचे स्वरूप ज्ञान। स्वरूप कौन कथार आम कहे टिके रागिगले तू मत चिन्हनु मो स्वरूप देखनु। अरे तुमक तो देखुचे ये कहूँ ताक तो आम देखुचु किंतु ता स्वरूप देखिना माने रूप आउ स्वरूप ये दीटा जाक अलग जिनस। एठी स्वरूप कौन हवा दरकार जीवर स्वरूप कौन हवा दरकार जीवर स्वरूप हूँ अंश अंशीर संपर्क। भगवान होती संपूर्ण चिद्घन घनखंड विग्रह चेतनार घनखंड विग्रह ये आत्मा चित अणु से चेतन सजातीय किंतु अणुचित टिके स्फुलिंग परी टिक अणुचित चेतनार अणु मात्र कणा मात्र संपर्क दीहीं भितर सजातीय सीए चेतन ब्रह्म चेतन आत्मा चेतन किंतु सी रसखंड विग्रह होइथिबारे घन विग्रह होइथिबा बेले ये चित बा अणुपरी साधारण ये क्षुद्र चेतना। तो से दृष्टि देखिले अंश अंशीर संपर्क भगवान अंशी आमे तार अंश। गीतार जो कथा कहा जाइछि ममैवांश जीव लोके जीव भूत सनातन मन स्वस्थ निंद्रियाणी प्रकृति स्थानिकर्षति। एठी सजातीय भाव रे ब्रह्म एवं आत्मा जे समान एकथा कोठी कह जाए ना
चेतन दृष्टि सजातीयता दृष्टि दुहे यही पर्यायवाची होइथिबारु तांकु अंश बोली कुहाइछि। अंश शब्दर अर्थ केबे भी नुहे जे ये खंडे भाग ये खंडे अंश ये तारी अंश एथुर खंडे भाग धरंतु गोटे पर्वत से खंडे पत्थर एमिति भाग को अंश कुहा जाए ना। मूल अंशरे जहाँ अच्छी चिंगारी टिके अग्नि पिंडुलाए से टिके अग्निकणा आणिले से लक्षण से ही गुणवत्तार ही संपूर्ण होउछि तारी ना अंश। तेणु आत्मा एवं परमात्मा भितर संपर्क होउछि परमात्मा अंशी ये जीव होउछि अंश। भगवान होउछन्ति सेव्य ये होउछि सेवक सीए संपूर्ण भाव रे प्रभु एटि दासानुदास भाव। तेणु संपूर्ण यही स्थिति स्वरूप रहिले निजर स्थिति निजर परिचय एया रहिले भगवान भगवान सी प्रभु सी सेव्य सी स्तव्य स्तुत्य पुरुष सी भजनीय सी संपूर्ण भाव रे तांकर दासानुदास होची मु एई भाव। चैतन्य चरितामृत रे ये पंथी माने वैष्णव माने गोटे कंता कथा कहती जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास भगवान दासानुदास परिचर किंकर भाव में निजक भावी संपूर्ण शरणागति भाव रहिबार रहुची स्वरूप जीवर। तेणु जीवर स्वरूप कौन ये भगवान दास। तृतीय ज्ञान स्वधर्म ज्ञान। धर्म कौन करे धर्म स्वधर्म अर्थात स्वभाव स्वभाव जहाँ जो जिनस ठीक भाव चिन्ह दिए धर्म हूँ या जहाँ जो जिनस ठीक भाव चिन्हदेवा। धरतु अग्नि एवं जल या जड़े जाणी ठीक भाव अग्नि जल नुहे जल अग्नि नुहे जल शीतल अग्नि उत्तप्त। तेणु जो स्वधर्म जहाँ गुण को नहीं आम जाणिले जहाँ प्रकृति को नहीं स्वभाव को नहीं आम जाणिले ये से जिनस से भाव जीव पाखे रहा दरकार। मु शरीर नुहे मु एक विमल चिद्घन आत्मा किंतु शरीर नहीं थी मु जीव स्वरूप अच्छे आत्मा संपूर्ण विमल चिद्घन आत्मा किंतु एक ससीम सीमा भितर थिबारु शरीर भितर थिबारु शरीर अंतःकरण को ग्रहण करि जाइथिबारु मन बुद्धि चित्त अहंकार को निजर बोली ग्रहण करि जाइथिबारु सेई आत्मा एबे मु जीव बोलौछि। तेणु स्वधर्म ज्ञान कौन हम जी कृष्णेर नित्य दास जी भगवान दासानुदास स्वरूप सीए ही स्वधर्म कौन विचार करिवो जे मु एक आत्मा जीव स्वरूप अच्छी मु भगवान का सह समकक्ष नुहे साधारणतः दास। तेणु शरीर नुहे मु शरीर नुहे मु आत्मा बा जीव यही भावर ना हूँ स्वधर्म ज्ञान। तुमे ही गति तुमे ही मुक्ति तुमे तो परम शांति स्मरण मात्रे तुमरी नाम संसार मिल ये मुक्ति। हे चक्रहस्त पांचाली लजात निबारी लटेकी दुई हाथ श्री जगन्नाथ जय जगन्नाथ श्री जगन्नाथ।